Hello student, today we see the next topic, that is the frequency spectrum of amplitude modulation wave. Okay, this is also the derivation of frequency spectrum of amplitude modulation wave. So see, the first, that is we already see in the previous lecture, that is the equation of amplitude modulation wave. Okay, so equation is EAM is equals to EC bracket 1 plus EM by EC cos omega MT cos omega CT. ये हम लोगों ने already previous lecture में जो है देखा है ये derivation. Okay, so इसको हम क्या लिख सकते हैं, EM by EC को, ये है modulation index. Okay, already हम लोगों ने modulation index का formula देखा है, EM by इसी. सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, दैट इज एम, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, इसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो ई सी है दैट इज कैरियर पावर. ओके, वो उसको मैं क्या करूँगी, अंदर मल्टीप्लाई करूँगी. तो क्या आएगा, ये अंदर हम लोग ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई सी प्लस ई सी ई एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी. ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये जो ई सी है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये अपना इक्वेशन आ गया, ई सी प्लस ई एम, सॉरी ई सी प्लस ई सी, और ये बाकी की टर्म वैसे की वैसी एम कॉस ओमेगा एम टी, और ये भी वैसे ही. ओके, उसके बाद में देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कॉस ऑफ ओमेगा सी टी है, ओके कॉस ऑफ ओमेगा सी टी है, उसको क्या करूँगी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी ये पूरे ब्रैकेट को, तो क्या होगा, कॉस ओमेगा सी टी इसको भी मल्टीप्लाई होगा और कॉस ओमेगा सी टी ये पूरे टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा. तो क्या बनेगा, फर्स्ट क्या बनेगा, ई सी और कॉस ओमेगा सी टी प्लस सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, ई सी एम कॉस ओमेगा एम टी, ये तो वैसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा कॉस ओमेगा सी टी. ओके, सो मैंने ये जो टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई की और इसको भी मल्टीप्लाई की, मीन्स ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. ओके, उसके बाद में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो है कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी, ये जो दो टर्म है उसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी. ओके, और ये ऑलरेडी फॉर्मूला जो है आपका जो है एम वन एम टू या फिर ट्वेल्थ में हो चुका है. ओके, सो देखो हम लोग कैसे लगाएंगे उसको, आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज ये वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी अपनी फर्स्ट टर्म. ओके, जो भी हम लगा रहे हैं सिर्फ ये कॉस वाली टर्म को ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये भी टर्म जो है ई सी और ई एम, सॉरी ई सी और एम जो है वो भी वैसे ही रहेगा. और यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला आपका था वन बाय टू, एक ब्रैकेट में रहता है कॉस ए प्लस बी. ओके, और प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस ए माइनस बी. ओके, सो इसका हम लोगों ने जो है फॉर्मूला लगाया, इसको कॉस ए डॉट कॉस बी का फॉर्मूला क्या है आपका, वन बाय टू कॉस ए प्लस बी और प्लस दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी. ओके, सो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया है इधर, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला है अपना, ऑलरेडी ये फॉर्मूला आप लोगों ने ट्वेल्थ या फिर एम वन एम टू में देखा होगा, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, तो वो है हाफ कॉस ऑफ ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस कॉस ए माइनस बी. ओके, उसके बाद में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ओके तो पहली वाली टर्म तो वैसी ही रहेगी अपनी, क्या ई सी कॉस ओमेगा सी टी. ओके, और सेकंड टर्म में क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो ई एम है, सॉरी ई सी और एम है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये क्या कर रही हूँ, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिर्फ. ओके, तो क्या रहे, क्या बनेगा, ई सी ई सी एम बाय टू और कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी. ओके, और सेकंड इसमें क्या रहेगा, फिर से ई सी एम बाय टू कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी. ओके,
तो ये मैंने क्या कर दिया, ये जो टर्म है ई सी एम डिवाइडेड बाई टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, उसके बाद में जो है ये जो इक्वेशंस है वो किसके है, फर्स्ट जो टर्म है आपकी वो है कैरियर सिग्नल. ओके, जो फर्स्ट आपका ये जो पैरामीटर है, टर्म्स है, ये है कैरियर सिग्नल. ओके, सेकंड जो टर्म है वो है आपकी अपर साइड बैंड. क्यों? क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसी की क्या है, एडिशन है. ओके, जो भी फ्रिक्वेंसी रहेगी इसमें एफ एम प्लस एफ सी, इट इज अपर साइड बैंड. और इधर क्या है, एफ एम माइनस एफ सी, दैट इज ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, दैट इज द लोअर साइड बैंड. ओके, तो ये तो हो गया आपका डेरिवेशन है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ए एम वेव. तो आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं ये डेरिवेशन. ओके, सो यहाँ पे ये डेरिवेशन एंड हो चुका है. उसके बाद में एक लिटिल टॉपिक देखेंगे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट का. ओके ओके, सी दिस इज द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स. ऑलरेडी बैंडविड्थ जो है वो क्या रहती है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी रहती है. ओके, और ऑलरेडी आपको पता है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द एफ सी प्लस एफ एम, और लोअर साइड बैंड का एफ सी माइनस एफ एम. ओके, सो हम लोगों ने वो फॉर्मूला राइट कर लिया यहाँ पे. तो ये जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो वैसे ही रहेगा एफ सी प्लस एफ एम, और इसको अगर अंदर ले लिया साइन को तो क्या रहेगा, माइनस एफ सी, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस एफ एम. ओके, उसके बाद में क्या हो रहा है, जो भी माइनस माइनस है टर्म्स है, दैट इज अ प्लस और एक माइनस टर्म है, तो वो कैंसिल हो जाएगी एफ सी और एफ सी, और क्या बचेगा, दैट इज एफ एम. तो अपना बैंडविड्थ का जो भी फॉर्मूला है क्या रहता है, हरदम ट्वाइस एफ एम. ओके, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड. थैंक यू.